हेलो, हाय एंड नमस्कार। वेलकम टू एमबी टॉक्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल मैप से कुछ ऐसे फीचर्स जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस के लिए। तो आज कुछ ऐसे ही फीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल मैप्स के, जिनको आपने पहले शायद नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले ये ऐप को अपडेट नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट फीचर्स ऐड हुए हैं गूगल मैप्स में वो आपके पास भी आ जाएं। सबसे बेसिक फीचर जो है गूगल मैप का वो है हमारे को रूट दिखाना और नेविगेट करना। उसमें मैं आपको थोड़े से और एडवांस बताता हूँ। तो मान लीजिए अभी हम करंट लोकेशन से हम जाते हैं, एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे को वहाँ पर जाना है, तो हम हरिद्वार मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये जैसे कि शो कर रहा है यहाँ पे 1 hour 21 minutes की राइड है, और इधर आपको दिख जाएगा 53 kilometers का डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ आ रहा है ये माइनस करके रूट में, और बाकी पूरे रूट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू एंड कुछ एरियाज में जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज कलर का हाईलाइट हो रखा है। तो इनके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, और जो ब्लू एरिया है उसके बारे में भी। तो ब्लू जो लाइंस, जो लाइन है हमारी जो रूट है उसमें ब्लू कलर का मतलब है कि ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, रोड बिल्कुल क्लियर है। जो एरिया ऑरेंज एरिया आ रहा है बीच बीच में, वहाँ पे शो होता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक रुक रुक के चल रहा है, और इनकेस कभी इसमें ऐसे शो करे कि रेड है तो फिर वो होता है वो थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है, बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रही है वहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ये आइकन जो बना हुआ आ रहा है इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको क्लोजली करके दिखाता हूँ, आइकन को आप देख सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा एरिया है, जो रूट है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं कोई डायवर्जन दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने काफ़ी जूम कर दिया है, ये जो येलो लाइन दिख रही है लाइट कलर की, ये हमारा मेन रूट है, और यहाँ पे किसी वजह से यहाँ पे डायवर्जन दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेन रूट से हटा के कट दिया गया है, और साइड से ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे डायवर्जन दिया गया है, और उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे हमारे को गूगल मैप्स में मिल रहा है। अपना रूट सर्च करने के बाद जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेविगेशन में हमारे को ऊपर लिखा हुआ आएगा, साथ में हमारे को गूगल असिस्ट जो है वो वोकल्स में भी बताएगा कि किस तरह से हमारे को अपना रूट सेलेक्ट करना है और कहाँ कहाँ हमारे को मूव करना है। यहाँ पे जैसे कि दिखा रहे हैं हमारा टाइम, अप्रॉक्सीमेटली टाइम इतना किलोमीटर हमारे को जाना है। इधर जो है ये हम कितना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो लिखा हुआ आता है। इस वाले आइकन पे अगर हम टैप करते हैं, यहाँ पे ऐड रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें क्रैश, कंजेशन, रोड वर्क्स, लेन क्लोजर, स्टॉल्ड व्हीकल्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन रोड्स, इनमें से अगर हम कोई भी कंडीशन हमारे रूट में कहीं आ रखी है तो हम दूसरे लोगों को नोटिफाई करने के लिए इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में बताया कि एक आइकन बना हुआ आ रहा था माइनस एंड प्लस, रेड कलर का माइनस बना हुआ आ रहा था, अभी आपको दिखा ये, इसमें किसी ने जैसे ऐड ऑन करा होगा ऐड रिपोर्ट में, तो ये यहाँ पे रोड क्लोजर हो रखी है, जो नेशनल हाईवे जो हाईवे है मेन उसको क्लोज कर रखा है और यहाँ से डाइवर्ट दे रखा है, तो उसकी यहाँ पे रिपोर्ट किसी ने करी थी और वो शो कर रहा है, इसे हमारे को हेल्प हो जाती है। सेम वे में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट करके बता सकते हैं लोगों के लिए। और अगर हमारे को इनकेस कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे रोड क्लियर है तो हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस आइकन पे, इस आइकन पे हम एक बार टैप करते हैं तो ये एक पॉपअप और आ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी इस वाले का मैं बता चुका हूँ, एडर रिपोर्ट, यहाँ पे शेयर ट्रिप प्रोग्रेस है, सर्च अलॉन्ग रूट है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं मान लीजिए, तो मान लीजिए अगर हमारे को रूट में कहीं पेट्रोल पंप पे जाना है या फिर किसी रेस्टोरेंट में रुकना है तो हमारे को सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है उसको, तो ये हमारा जो रूट है वहां से होते हुए हमारे को डाइवर्ट करते हुए रूट पूरा दिखाएगा। मान लीजिए ये पेट्रोल पंप है, तो जितने भी हमारे रूट में या मेरे क्लोज जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको वो डिस्प्ले करेगा। मान लीजिए मेरी लोकेशन अभी ये है,
यहाँ पे मेरे को जैसे कि अभी ये वाला एक पेट्रोल पंप ये दिखा रहा है, एक पेट्रोल पंप मेरे क्लोज में ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रूट डाइवर्ट हो चुका है। पहले इधर से यहाँ इस तरफ को आ रहा था, अब मैं यहाँ से पेट्रोल पंप होते हुए थोड़ा सा रूट डाइवर्ट हो चुका है। और यहाँ फर्दर अगर हमारे को ऐसे ही रेस्टोरेंट्स या पेट्रोल पंप को सर्च करने हैं तो यहाँ पे हम वॉइस कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। साथ में इसमें अगर एक और ऑप्शन भी है हमारे को, यहाँ पे शेयर ट्रिप प्रोग्रेस है। अगर आप अपनी ट्रिप का प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर मेल से, फेसबुक, व्हाट्सएप, जैसे भी आप अपनी करंट स्टेटस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल मैप के में ही हमारे को ऑप्शन मिलता है म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए सिंपली हमारे को मेन्यू में जाना है। मेन्यू के बाद हमारे को सिलेक्ट करना है सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमारे को सिलेक्ट करना है नेविगेशन सेटिंग। और उसको थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले हो रहा है शो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल्स। यहाँ से इसको हमें इनेबल कर लेना है। यहाँ पे हमारे को ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसको भी हम सिलेक्ट करें। यहाँ पे जैसे गूगल प्ले म्यूजिक सिलेक्ट करते हैं हम और इसको ओके कर लेते हैं। अब इससे सिंपली हमारे को बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा जब हम नेविगेशन शुरू करेंगे कहीं की इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे को म्यूजिक का भी ऑप्शन मिल गया। यहाँ से हम अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को इस ऐप से एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम म्यूजिक को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग इस तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन सॉन्ग्स हो या फिर हमारे प्रीलोडेड सॉन्ग्स हो। सो इस वीडियो में इतना ही। गूगल मैप्स के और फीचर्स की एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।